न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस फर्स्ट द कंटेंट। डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस स्टूडेंट्स अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें न्यूक्लियस के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे न्यूक्लियर एंड वेल्प क्रोमेट्री मटीरियल न्यूक्लियो जो फोर्थ इसका जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस है वो है दैट द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस की खास बात यह है कि इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडर स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडर स्ट्रक्चर है कोई इसकी मेम्ब्रेन नहीं है जस्ट लाइक राइबोसोम्स एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन देंसेिस ऑफ राइबोसोम्स और ये राइबोसोम्स की ही तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन नहीं है तो राइबोसोम को जो बनाने वाला ऑर्गेनली है सेल न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है अच्छा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस सेल टू सेल वेरी करते हैं सम ऑफ द सेल्स या मोस्ट ऑफ़ द सेल जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर आमतौर पर दो न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं न्यूक्लियोलाई कहेंगे अगर एक है न्यूक्लियोलस है दो हैं तो न्यूक्लियोलाई तो दे आर टू न्यूक्लियोलाई लेकिन बहुत कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियोलस मौजूद हो न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं इवन अगर हम बात करते हैं एक डिवेलपिंग जो एग, एग है एग स्टेज के ऊपर अच्छा आपने ये याद एग स्टेज जो है उसके ऊपर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल परफॉर्म कर रहा होता है इसीलिए एग स्टेज के ऊपर न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर uh, पोर्स हैं वो भी मैक्सिमम होते हैं और उसके साथ साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस भी मैक्सिमम होते हैं जैसे आम सेल के अंदर टू न्यूक् नुकलियोला, न्यूक्लोलाई ज़्यादा रिपोर्टेड हैं जबकि एक एग के अंदर एम्फीबियन की एग की अगर हम एग्जाम्पल लें दैट दो द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई मे बी इन थाउजेंड्स तो ह्यूज नंबर ऑफ जब वो न्यूक्लियोलाई हो सकता है उसके बेसिक रीज़न ये है कि जितना कोई सेल प्रोटीन सेन्थिस में ज़्यादा इन्वॉल्व है उतना ही उसको ज़्यादा राइबोसोम बनाने पड़ेंगे ज़्यादा राइबोसोम बनाने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई रिक्वायर होते हैं तो अगर हम एग सेल की या बात करते हैं जिसको हम ओवम भी कहते हैं एग कहते हैं एग स्टेज के ऊपर मैक्सिमम प्रोटीन सेन्थिसाइज हो रही होती हैं इसीलिए जो था वहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई भी क्या होंगे मैक्सिमम होंगे द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें पहली बात यह है कि न्यूक्लियोलस की न्यूक्लियोलस की कोई मेमब्रेन तो है नहीं है तो इट इज़ नॉन मेम्रेन पॉडेड ऑर्गनेली अब अगर हम इसको इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया जाए तो इसके दो कंपोनेंट्स मिलते हैं जो इसका सेंट्रल पोर्शन है वो थ्रेड लाइक -like है फाइब्रिलर पोर्शन कहलाता है उसमें छोटे छोटे थ्रेड्स पड़े हुए हैं फाइबर्स पड़े हुए हैं ये फाइबर्स बेसिकली राइबोसोमल आरएनए होता है जिसने आगे राइबोसोम्स बनाने हैं और जो न्यूक्स न्यूक्लियोलस का साइड वाला एरिया है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ग्रैनुलर रीजन सेंटर वाला रीजन जो है वो फाइब्रिलर रीजन है यानी फाइबर्स वाला पोर्शन है और साइड वाला एरिया जो है बेसिकली क्या है दैट इज़ द ग्रैनुलर रीजन यानी उसमें क्या है कि ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं यानी अगर हम इसको यूँ करें कि एक सेंटर पोर्शन है इट इज़ अ फाइब्रिलर पोर्शन जबकि साइड वाला इलाका क्या है कि उसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं अब इसके रीजन क्या है रीज़न ये है कि जो सेंट्रल वाला इलाका है वहाँ अभी राइबोसोम्स ने बनना है इसलिए वहाँ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन इकट्ठी हो रही होती हैं और वो एक राइबोसोमल आरएनए की वजह से फाइबर फाइब्रिलर अपीरेंस देता है इसके अलावा क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जिसने राइबोसोमल आर एन ए बनाना होता वो भी तकरीबन न्यूक्लस के सेंटर में पहुँचा होता है जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमल डी का पोर्शन है वो भी फाइब्रिलर होता है फाइबर की फार्म में होता है इसलिए न्यूक्लस का सेंट्रल पोर्शन जो था वो फाइब्रिलर या थ्रेड लाइक पीरियंट्स देता है साइड वाला इलाका जो है ये वो इलाका है बेसिकली जहाँ राइबोसोम्स बन चुके होते हैं तो राइबोसोम चूँकि डॉट्स की फार्म में ग्रेन्यूल्स की फार्म में होते हैं इसलिए हमें जो साइड वाला एरिया है वो ग्रैनुलर फार्म में आता है क्योंकि न्यूक्लियोलस के साइडों के जो पेरिफुलर रीजन है साइड वाला इलाका होता है उसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इम मेच्योर अंदर की तरफ होते हैं जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं राइबोसोम्स वो न्यूक्लियोलस के बाहर की तरफ आते चले जाते हैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल वाला पोर्शन है इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको क्लियर करना चाहूँ तो न्यूक्लियोलस का जो सेंट्रल वाला पोर्शन जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर बेसिकली द राइबोसोमल आ रहे हैं ज्यादातर इसमें राइबोसोमल आ रहे हैं इस सेंट्रल थ्रेड लाइक पोर्शन को इट इज कॉल्ड द फाइब्रिलर सेंटर या फाइब्रिलर रीजन कहते हैं फाइब्रिलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं साइड्स का इलाका जितना पेरीफ्री पेरीफ्री कहते हैं अतराफ को जितना भी पेरीफ्री का इलाका यहाँ स्माल ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं दीज ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली स्मॉल राइबोसोम्स ये ग्रैन्यूल और कुछ भी नहीं है जस्ट ये राइबोसोम्स हैं जो इमेच्योर राइबोसोम्स हैं वो फाइब्रिलर रीजन के करीब करीब हैं जबकि जो मेच्योर रोजोम्स होंगे वो पीछे करके जो अलग से मौजूद होते हैं यानी वो पेरीफुलर रीजन में आ जाते हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस जो बेसिक इसका रोल है न्यूक्लियोलस का वो है सेंथिसिस ऑफ राइबोसोम्स राइबोसोम की सेंथिस न्यूक्लियोलस की प्राइमरी जॉब है इसके साथ साथ मैंने जैसे अभी जिक्र किया था पीछे कि न्यूक्लियोलस का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें कुछ क्रोमोसोम या डीएनए का पार्ट भी आ चुका होता है और इसका मतलब ये होगा कि जब डी एन ए वहाँ आ रहा है तो राइबोसोमल आर एन ए की जो सेंथिसिस होती है दैट इज़ आल्सो टेकिंग प्लेस इन टू द न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियोलस की फिर दो जॉब्स होंगी सेंथसिस ऑफ रेबोसोमल आ रहे और सेकंड इसका क्या है इसम्बली या सेंथस ऑफ राइबोसोम्स